दोस्तों एक जमाना था जब हम कैलकुलेशन के लिए कैलकुलेटर्स वगैरह का इस्तेमाल करते थे। धीरे धीरे उनकी जगह बड़े बड़े कंप्यूटर्स ने ले ली, जिनका इस्तेमाल हम लोग करने लगे और उन्हें डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता था। लेकिन फिर दोस्तों समय बदला और चलन आया लैपटॉप का, और आज की तारीख में लैपटॉप का क्रेज कुछ ऐसा है कि हर आदमी के पास अपना एक पर्सनल लैपटॉप होता है जो भी प्रोफेशनल वर्क करते हैं। साथ ही साथ स्टूडेंट्स के लिए भी ये आजकल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है, जिसे कि वो अपने साथ रखना प्रेफर करते हैं क्योंकि इसका साइज छोटा होता है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे ही लैपटॉप्स के बारे में जो कि एक से बढ़कर एक रहते हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को एकदम लास्ट तक देखते रहिएगा, क्योंकि इसमें होने वाले हैं एक से बढ़कर एक कमाल के गैजेट। तो देखते हैं कि कौन रहता है सबसे पहले नंबर 10 पर। नंबर 10, Asus ZenBook Pro 15। दोस्तों अगर आप एक ऐसा लैपटॉप चाहते हैं जो कि आपके हर तरीके के काम में आए, जैसे कि अगर आप कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हो तो वहाँ आपके लिए एकदम कंपैटिबल हो, साथ ही अगर आप गेमिंग वगैरह करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी आपको कोई दिक्कत ना हो, तो ये लैपटॉप खासतौर पर इसी के लिए बना है। इसे जाना जाता है Asus ZenBook Pro के नाम से, जहाँ पर आपको मिलता है i9 प्रोसेसर जो कि आपको एक स्मूथ परफॉर्मेंस अवेलेबल कराएगा। वहीं 16GB रैम के साथ आता है, तो यानी कि यहाँ पर आपको जो परफॉर्मेंस मिलने वाली है वो एकदम कमाल की रहेगी। साथ ही साथ इसमें आपको 1TB तक का SSD स्टोरेज मिल जाता है, और इसकी थिकनेस का तो जवाब ही नहीं होता। लेकिन इसका सबसे खास फीचर होता है इसका ट्रैक पैड। यहाँ पर असल में एक छोटी सी डिस्प्ले की तरह होता है, जहाँ पर आपको ठीक वैसे ही सारे कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आपके टच स्क्रीन मोबाइल फोन में रहते हैं। यहाँ से आप एप्स वगैरह को एक्सेस कर सकते हैं, जिससे कि आपको उन्हें इस्तेमाल करने में आसानी रहेगी। साथ ही साथ प्रोफेशनल वर्क जैसे कि कैलकुलेशन वगैरह में भी ये आपके काफी ज्यादा काम आएगा। तो अगर आप भी ऑफिस से जुड़े काफी सारे वर्क वगैरह करना चाहते हैं तो वहाँ पर ये लैपटॉप आपके लिए काफी हद तक कंपैटिबल रहेगा। लेकिन दोस्तों इसके फीचर्स और डिजाइन को देखते हुए इसकी कीमत कुछ खास कम नहीं होने वाली है। तो अगर आप इसकी कीमत के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसके लिंक्स देखने को मिलेंगे। नंबर 9, डेल XPS 15। दोस्तों डेल के लैपटॉप की मार्केट में अपनी एक अलग ही पहचान है, लेकिन अगर हम बात करें इस लैपटॉप की तो दोस्तों ये आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि इसके फीचर्स ही कुछ ऐसे होते हैं। दोस्तों इसकी सबसे खास बात रहती है वो रहती है इसकी डिस्प्ले, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है OLED डिस्प्ले जो कि काफी ज्यादा कमाल की रहेगी। इसे एक तरीके से बेजल लेस बनाया गया है, जिससे कि इसका व्यू एक्सपीरियंस और भी ज्यादा कमाल का रहता है, और 4K अल्ट्रा HD प्लस होने की वजह से यहाँ पर गेमिंग वगैरह भी बड़ी ही शानदार रहेगी। इसमें इनबिल्ट रहते हैं NVIDIA के ग्राफिक जो कि इसे और भी ज्यादा खास बनाते हैं, साथ ही इसका 10th जनरेशन प्रोसेसर इसकी परफॉर्मेंस को स्मूथ करेगा। तो अगर आप एक ऐसा लैपटॉप चाहते हैं जिसमें कि आप अपने प्रोफेशनल वर्क को अच्छे से अंजाम दे पाएं, तो मेरे हिसाब से ये एकदम बेहतरीन ऑप्शन होने वाला है आपके लिए। नंबर 8, सैमसंग क्रोमबुक 4। दोस्तों मोबाइल फोन की मार्केट में सैमसंग का अपना एक अलग एक छत्र राज चलता है, लेकिन लैपटॉप के मामले में सैमसंग की अगर बात करी जाए तो लोग उसे उतना नहीं जानते हैं। लेकिन फिर भी अगर एक बजट रेंज लैपटॉप की बात करी जाए, यानी कि अगर आपके पास ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप एक पावरफुल लैपटॉप चाहते हैं, तो सैमसंग आज भी जाना जाता है अपनी इस फील्ड के लिए। तो दोस्तों अगर आप भी चाहें तो ट्राई करके देख सकते हैं इस तरीके की क्रोमबुक को, जो कि बजट में रहकर आपको एक बेहतरीन लैपटॉप अवेलेबल कराती है। सबसे पहले बात करते हैं इसके स्पेशलाइज्ड डिजाइन की। तो दोस्तों साइज में बहुत ही ज्यादा पतला होता है, जिससे कि स्टूडेंट वगैरह को इसे कैरी करने में बहुत ही ज्यादा आसानी रहेगी। वहीं दोस्तों ऑफिस वर्क और प्रोग्रामिंग के लिए ये एकदम सफिशियंट रहेगा। हालांकि यहाँ पर आपको अलग अलग प्रोसेसर और अलग अलग रैम के वेरिएंट्स देखने को मिल जाएंगे क्रोमबुक में, जिसे आप अपनी जरूरत के हिसाब से परचेज कर सकते हैं। तो अगर आप बजट में रहकर एक बेहतरीन लैपटॉप चाह रहे हो जिसका इस्तेमाल कर पाए आप अपने प्रोफेशनल वर्क के लिए, तो मेरे हिसाब से क्रोमबुक आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा। नंबर 7, सैमसंग नोटबुक 9 प्रो। दोस्तों अगर सैमसंग के एडवांस लैपटॉप की बात करी जाए तो ये नोट 9 प्रो आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि यहाँ पर जो आपको फीचर्स देखने को मिलने वाले हैं वो एकदम नेक्स्ट लेवल के रहेंगे। सबसे कमाल की बात रहती है वो रहती है इसकी बॉडी में, क्योंकि यहाँ पर आपको मेटालिक फ्रेम देखने को मिलता है जो कि देखने में काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा। साथ ही साथ इसकी थिकनेस भी आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, और अगर आप चाहें तो इसे टैबलेट मोड पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी स्क्रीन पीछे की तरफ एकदम टिल्ट हो जाती है, और साथ ही मिल जाता है इसके साथ एक पेन, जिससे कि आप काफी सारे काम कर पाएंगे इसमें। और वहीं दोस्तों इसमें फास्ट चार्जिंग के ऑप्शंस दे रखे होते हैं, जिससे कि ये और भी ज्यादा कमाल का रह जाता है। टाइप सी सपोर्ट होने की वजह से यहाँ पर आपको जो डेटा ट्रांसफर स्पीड देखने को मिलती है वो भी बहुत ही ज्यादा कमाल की रहती है। वहीं दोस्तों इसमें जो वाईफाई आपको दे रखा होता है वो भी एकदम नेक्स्ट लेवल का होता है, क्योंकि यहाँ पर आपको GBPS में ट्रांसफर स्पीड देखने को मिलेगी। तो उम्मीद है आपको ये लैपटॉप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा, क्योंकि इसके फीचर्स ही कुछ ऐसे रहते हैं जो आपको अपनी तरफ फौरन अट्रैक्ट करेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं इसके बारे में और भी ज्यादा इन्फॉर्मेशन, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाकर उसे चेक कर सकते हैं। नंबर 6, लेनेवो थिंकबुक प्लस।
दोस्तों लेनोवो की थिंक बुक हमेशा से इस्तेमाल होती आई है बिजनेस पर्पस, यानी कि वो लोग इसे बहुत ज्यादा पसंद करते हैं जिनका काम ऑफिस वगैरह से रिलेटेड हो या फिर मार्केटिंग वगैरह से। तो दोस्तों इसी चीज को ध्यान पे रखते हुए लेनोवो ने खास तौर पर एक ऐसे प्रोडक्ट को तैयार किया है जो कि बेसिकली मार्केटिंग के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि इसकी खास बात ये होती है कि इसमें आगे की तरफ तो एक डिस्प्ले होती ही है, साथ ही साथ इसके बैक पैनल की तरफ भी एक छोटी सी डिस्प्ले लगी होगी। यानी कि अगर आप किसी को प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या फिर कोई प्लान वगैरह समझा रहे हैं तो आपको प्रोजेक्शन के लिए उसे बार बार घुमाकर दिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप आराम से उसे पीछे वाली स्क्रीन पर कास्ट कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों इसमें कुछ ऐसे पावरफुल फीचर्स भी डाले गए हैं जो कि इसे खास बनाएंगे, साथ ही टच आईडी का सपोर्ट देने से इसमें और भी ज्यादा सिक्योरिटी आ जाएगी, यानी कि प्राइवेसी को लेकर भी आपको खास सोचने की अब जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उम्मीद है आपको ये प्रोडक्ट काफी ज्यादा मजेदार लगा होगा, लेकिन अगर आपका काम मार्केटिंग वगैरह से जुड़ा हो तो आप ये बता सकते हैं कि अभी आप कौन सा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 5, लेनोवो योगा 5G। दोस्तों लेनोवो की योगा सीरीज खास तौर पर जानी जाती है पर्सनल यूज के लैपटॉप के लिए, लेकिन अगर हम बात करें पर्सनल यूज की तो इसमें बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें आ जाती हैं जिसके लिए एक लैपटॉप का पावरफुल होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो योगा सीरीज में भी आपको देखने को मिलेंगे कुछ ऐसी ही चीजें, लेकिन इसकी सबसे कमाल के फीचर की अगर बात करें तो वो रहता है इसका 5G होना, यानी कि अगर आप इसका इस्तेमाल इंटरनेट ब्राउजिंग वगैरह के लिए करते हैं या फिर अगर आप इसे कोई बड़ी फाइल डाउनलोड करते हैं तो वो आसानी से सेकंड्स में डाउनलोड हो जाएगी। इसमें आपको 4GBPS तक स्पीड देखने को मिल जाएगी, यानी कि सोच कर देखिए कि एक सेकंड के अंदर आप 4GB तक का डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस तरीके की फास्ट कनेक्टिविटी के ऑप्शंस आपको इस लैपटॉप में देखने को मिल जाते हैं, जिसलिए इसे 5G लैपटॉप कहा जाता है। साथ ही अगर हम बात करते हैं एक ऐसे पर्सनल लैपटॉप की तो इसमें प्राइवेसी के काफी ज्यादा मायने होते हैं। तो इसमें आपको फेस लॉक और टच आईडी जैसे एडवांस फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को और भी ज्यादा सिक्योर बनाते हैं। तो इस तरीके का लैपटॉप पर्सनल यूज के लिए बड़ा ही कमाल का रहता है। लेकिन दोस्तों फिलहाल कमेंट में आप ये जरूर बताइएगा कि आपको पर्सनल यूज के लिए किस ब्रांड के लैपटॉप सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। नंबर 4, गैलेक्सी बुक फ्लेक्स। दोस्तों मोबाइल फोन के मामले में सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज की अपनी एक अलग ही पहचान है, लेकिन अगर आप कुछ ऐसे ही फीचर्स वाला एक लैपटॉप चाहते हैं जहां पर आपको स्टाइलिश पेन देखने को मिले तो ये कुछ वैसा ही होता है। सैमसंग ने खास तौर पर इस लैपटॉप को डिजाइनिंग के लिए तैयार किया गया है जहां पर आप स्टाइलिश पेन की मदद से काफी सारी ड्राइंग वगैरह कर सकते हैं। साथ ही इंजीनियरिंग से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा कमाल की चीज रहेगी, क्योंकि इससे चाहे तो स्टाइलिश पेन की मदद से वो काफी सारी डिजाइंस वगैरह क्रिएट कर पाएंगे। वहीं अगर आप चाहें तो इसे टैबलेट मोड पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साथ ही इसकी QLED डिस्प्ले काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगी आपको। इसमें एक खास फीचर और आपको दे रखा होता है, वो रहता है वायरलेस पावर शेयर का, यानी कि अगर आप इस लैपटॉप के ऊपर अपना मोबाइल फोन रख देते हैं तो ये वायरलेसली उसे चार्ज कर देता है, जिससे कि ये आपके मोबाइल फोन के लिए एक बेहतरीन पावर बैंक का भी काम करेगा। तो उम्मीद है आपको ये गैजेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आपको भी ये पसंद आया हो लैपटॉप तो इसे एक लाइक जरूर दे ही दीजिएगा। नंबर 3, Razer Blade Steel 13। दोस्तों गेमिंग के लिए आज भी विंडोज पीसी का अपना एक अलग दबदबा है। जो लोग बहुत ज्यादा गेमिंग करते हैं वो ज्यादातर अपने पीसी को असेंबल करा लेते हैं, क्योंकि उनको पता है कि लैपटॉप में उनको उतनी ज्यादा बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं मिल पाएगी। लेकिन इस गैजेट को देखने के बाद आपका ये संदेह एकदम दूर हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये लैपटॉप बनाया गया है खास तौर पर गेमिंग के लिए, क्योंकि इसकी जो कॉन्फ़िगरेशंस रहती हैं वो पूरी तरीके से एकदम गेमिंग पीसी को ध्यान में रखते हुए बनाई गई हैं। यहां पर आपको 16GB की रैम मिल जाती है और साथ ही साथ कोर i7 प्रोसेसर रहता है। 10th जनरेशन का ये i7 प्रोसेसर आपको एक स्मूथ परफॉर्मेंस देगा, साथ ही साथ एनवीडिया के GeForce GTX ग्राफिक्स इसे और भी ज्यादा खास बनाते हैं। इसकी स्क्रीन भी बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जो स्क्रीन का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है वो 120 हर्ट्ज का होता है। साथ ही साथ 4K होने की वजह से यहाँ पर व्यू एक्सपीरियंस और भी ज्यादा बेहतरीन रहेगा। तो अगर आप एक बेहतरीन गेमिंग लैपटॉप चाहते हैं जिसमें कि आप आराम से गेमिंग कर सके, साथ ही वो भारी भरकम भी ज्यादा ना हो, तो इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस मॉडल को। नंबर 2, Dell Latitude 9510। दोस्तों अभी तक इस सीरीज में आपने काफी सारे ऐसे लैपटॉप देखे जो कि अपने हायर कॉन्फ़िगरेशन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन हर लैपटॉप की एक प्रॉब्लम उसकी बैटरी के साथ होती है, क्योंकि दोस्तों साइज में कॉम्पैक्ट होने की वजह से उसमें बैटरी बैकअप इतना नहीं होता है जिससे कि वो ज्यादा देर तक आपके साथ रह सके। लेकिन डेल का ये लैपटॉप खास तौर पर आपकी इसी दिक्कत को दूर करता है, क्योंकि यहां पर आपको हायर कॉन्फ़िगरेशन के साथ एक पावरफुल बैटरी भी दे रखी होती है। इसकी बैटरी का जो चार्जिंग टाइम होता है वो लगभग 1 घंटे का होता है, यानी कि सिर्फ आप इसे 1 घंटे में ही 80% से ऊपर तक चार्ज कर सकते हैं, लेकिन इसका बैकअप टाइम लगभग 30 घंटों का होता है, यानी कि अगर आप इसे नॉर्मली यूज करते हैं तो ये पूरा दिन लगातार प्लग इन किए बिना ही इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसकी यही बात इसे खास बनाती है किसी भी अदर लैपटॉप से जिसका इस्तेमाल आप ऑफिशियल पर्पस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये गैजेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा।
तो दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो काफी ज्यादा एंटरटेनिंग लग रही होगी, लेकिन अब वक्त आ गया है कि मैं आपको बताऊं इस वीडियो के एकदम टॉप गैजेट के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं अगर आप इनमें से दिखाए गए किसी भी लैपटॉप को खरीदना चाहते हैं या फिर इसकी कीमत के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनकी डिटेल्स देखने को मिल जाएंगी। तो चलिए देखते हैं कि कौन रहता है इस लिस्ट का वाशर नंबर वन पर। नंबर वन, माइक्रोसॉफ्ट सरफेस बुक 3। दोस्तों किसी भी लैपटॉप का पावरफुल होना और साथ ही साथ उसका कॉम्पैक्ट साइज होना, ये दोनों ही चीजें एक ही लैपटॉप में देखने को बहुत कम मिलती हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट का ये सरफेस लैपटॉप आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है, क्योंकि इसमें दोनों ही कॉम्बिनेशन को साथ में इस्तेमाल किया गया है। यानी कि सबसे पहले अगर हम इसकी डिस्प्ले या फिर इसके साइज वगैरह की बात करते हैं तो ये काफी ज्यादा साइज में पतला होता है, जिससे कि ये कॉम्पैक्ट हो जाएगा। लाइट वेट होने की वजह से आप आसानी से इसे कहीं भी लेकर कैरी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहें तो इसे टैबलेट मोड पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें आपको स्क्रीन को करने के ऑप्शन मिल जाएंगे, यानी कि अगर आप चाहें तो इसकी स्क्रीन को अलग करके भी टैबलेट की तरह इसे यूज कर सकते हैं। वहीं दोस्तों इसमें इनबिल्ट होती है 32 GB की रैम, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल बनाती है इसको। साथ ही इसमें NVIDIA GeForce ग्राफिक्स लगे होते हैं, जो कि इसे गेमिंग के लिए भी एकदम परफेक्ट बनाते हैं। 2 TB SSD होने की वजह से इसमें स्टोरेज की प्रॉब्लम आपको बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगी। साथ ही इसकी ट्रांसफरिंग स्पीड भी बहुत ही ज्यादा फास्ट रहती है। तो इस तरीके का लैपटॉप ना सिर्फ देखने में पावरफुल होता है, बल्कि इसकी कॉन्फिगरेशन भी इसे खास बनाती है। तो उम्मीद है आपको ये पावरफुल लैपटॉप काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। तो अगर आपको इसकी टेक्नोलॉजी पसंद आई हो तो एक लाइक तो इसका बनता ही है। तो फिर मिलते हैं आपको कुछ नए गैजेट्स के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।